Audio Jungle. Audio Jungle. देवभूमि द्वारका जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने का वीडियो सामने आया है। देश में मानसून की आमद के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। बीते दिनों यूपी और राजस्थान में बिजली गिरने से मौत की घटनाएं सामने आई थी। इसी बीच मंगलवार को गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध द्वारका मंदिर पर बिजली गिरने का वीडियो सामने आया है। मंगलवार शाम को मंदिर पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मंदिर के शिखर पर बनी पताका को नुकसान पहुंचा। हालांकि मंदिर भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना में कोई हताहत भी नहीं हुआ। द्वारकाधीश मंदिर के ऊपर लगे झंडे का भी खास महत्व है। इसे 52 गज का ध्वजा कहा जाता है। ये भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जहां दिन में 3 बार 52 गज की ध्वजा चढ़ाई जाती है। झंडे पर बिजली गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मंदिर के आसपास घनी बस्ती है, ऐसे में अगर रिहायशी इलाके में बिजली गिरती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मंदिर के किसी हिस्से पर बिजली गिरी है। लोगों का मानना है कि द्वारकाधीश ने शहर को बड़े खतरे से बचा लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिजली गिरने की घटना के बाद द्वारका जिला प्रशासन के अधिकारियों से फोन पर बात की। गांधीनगर में शाह के कार्यालय से जारी बयान के अनुसार बिजली गिरने से मंदिर की इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, घटना में कोई घायल भी नहीं हुआ है और न ही किसी भी तरह की अप्रिय घटना सुनने को मिली है। माना जाता है कि ये मंदिर 2200 साल पुराना है, जिसका निर्माण वज्रनाभ ने किया था। इसके परिसर में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ सुभद्रा, बलराम, रेवती, वासुदेव, रुक्मिणी समेत कई देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी बने हुए हैं। जन्माष्टमी पर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव को देखने लाखों की भीड़ पूरे देश से आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव 18,